फाइनली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड की यूनिट 4, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली आज हम इस पूरी यूनिट को एक साथ कवर करने वाले हैं। अब जैसे कुछ टाइम पहले हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है इसको कवर करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे बचे हुए टॉपिक जो कुछ भी होगा, मतलब हम सभी को कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कोई टॉपिक हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ से काम चलने वाला नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसका कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप एग्जाम में बड़े आराम से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बार समझना बहुत जरूरी है, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, नोट्स भी आपको मिलेंगे। बाकी बस वीडियो आपको पूरी देखनी है, और वीडियो को लाइक अभी से कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे उन्हें भी पास होने में इससे हेल्प मिले। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने देखते हैं अपने जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसी के, वो तो यहां पर बेसिकली हमारे चार सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मोस्टली बार क्वेश्चन वगैरह में पूछे गए हैं। पहला हमारे इसमें था व्हाट आर ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट, और इसको हम एंटी डायबिटिक एजेंट नाम से भी जानते हैं, और इसमें क्लासिफाई करना था। और इसमें जो हमारे ड्रग्स थे उसमें सबसे मेन था हमारा सल्फोनिल यूरिया वाला, तो इसी का हमको मैकेनिज्म भी पढ़ना था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। देन हमारे यहां पर आते थे थायराइड और एंटी थायराइड वाले ड्रग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे, इनका हम पूरा का पूरा फंडा समझेंगे, आखिर काम कैसे करते हैं, क्या होता है सारा कुछ। फिर हमारा एक इसमें इंपॉर्टेंट था हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अंदर के हमारे हार्मोन्स वगैरह सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। देन हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स थे उन सबको शॉर्ट नोट, यानी कि उन सबके बारे में आपको दो चार बातें तो पता ही होनी चाहिए, तो उन सबको भी हम यहाँ जो कवर करने वाले हैं। तो इस तरह देखा जाए तो चार से पाँच क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरी यूनिट ही हमारी लगभग इसमें कवर हो गई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे शॉर्ट में थे जिनको आप छोड़ भी सकते थे और आप अच्छे से कर भी सकते थे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर बेल फार्मा में। तो जो हमारी ये यूनिट है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, जिसके बारे में हमको सारी बातें जाननी है। फिर इसमें दो चार चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे ग्लैंड्स आते हैं, फिर हमारे हार्मोन्स आते हैं जो हमारे सीक्रेट होते हैं, तो इन सब के बारे में बेसिक हम पढ़ना समझते हैं। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, अगर बेसिकली देखा जाए तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक हमारा होता है एंडोक्राइन, एक हमारा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। जो एक्सोक्राइन सिस्टम था वहाँ से बेसिकली हमारे एंजाइम्स वगैरह जो है रिलीज होते हैं, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ से बेसिकली हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आज हमको जो है इन्हीं एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है। तो अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स है, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स आते हैं उन सभी ग्लैंड्स को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके बोलेंगे तो वो हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा, और जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स होंगे वो हमारे ग्लैंड्स कहलाएंगे। अब समझो कि आखिर ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली आप समझो कि मान लो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे छोटी यूनिट हमको पता है, तो उन्हीं सेल्स में छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे कुछ इस तरह से बहुत सारे टिश्यू बनके एक ऐसी मशीन सी बना लेते हैं। आप ऐसे समझो, अगर देसी भाषा में समझोगे, एक मशीन सी बना लेते हैं जिसको हम अपनी इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। अब इस ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये एक हार्मोन्स यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, और उसी केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। अब इसने ये रिलीज क्यों किया कि जो हमारे ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये हमारी बॉडी में जाएंगे और कुछ ना कुछ क्या करेंगे, फंक्शन शो करेंगे जिसके द्वारा हमारी बॉडी चलती है। तो आप यहाँ समझे कि आखिर ये हमारे ग्लैंड्स क्या होते हैं, कि हमारे बहुत सारे सेल्स टिश्यू मिलकर एक ऐसा बड़ा सा मशीन की तरह तैयार कर लेते हैं, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं, और वो ग्लैंड्स कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो हमारे जैसे हार्मोन्स कहलाते हैं, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाएंगे और अपने फंक्शन शो करेंगे। तो ये पूरा फंडा हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, और ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी ग्लैंड्स को हम मिला देंगे तो वो हमारा कहलाएगा एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर चीज हमारी क्या कहलाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो ये पूरा फंडा हमारे यहां आप समझ गए होंगे। अब अगर डेफिनेशन देखें तो बोल सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन, ऐसा सिस्टम है जिसने हार्मोन को रिलीज किया, प्रोड्यूस किया, और वो हार्मोन्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जाएंगे और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करेंगे। मैंने कहा ना कुछ अपना काम शो करेंगे, तो वही काम हमारे क्या कहलाएंगे यहां पर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो हार्मोन्स है उनका रोल होता है हमारी ग्रोथ में, यानी कि जो हम छोटे होते हैं और इतने इतने बड़े हो गए आज हम, तो ये सारा चीज जो हमारे ग्रोथ कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है, तो उन सब के लिए हमारे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, हमारे ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए सारी चीजें मिलकर काम करते हैं, ये हार्मोन करेंगे, फिर ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, खाना पीना सब मिलकर काम करते हैं, तब हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जब रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, बाकी मेटाबोलाइज कराते हैं, मैं आगे आपको समझा दूंगा, देन हमारे में ये सेक्सुअल फंक्शन को भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मतलब ग्रोथ करते हैं उनकी भी, हमारे ऑर्गन्स वगैरह की। तो ये सारा फंक्शन हमारा कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं, और सब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, सभी हार्मोन्स
उसके अलग अलग काम होते हैं, तो वो हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ आता है हार्मोन। तो हार्मोन को कभी मतलब डिफाइन करने के लिए आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखा जाए तो हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है, जिसका इंटेंशन होता है एक तरह से, यानी कि इसका काम होता है कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करना हमारी बॉडी में। तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में शो करता है, बाकी वो प्रोड्यूस होता है किसी स्पेसिफिक सेल से। तो यही स्पेसिफिक सेल हमारे कौन से थे, ग्लैंड थे, जिनके द्वारा हमारा हार्मोन निकल रहा था। तो ये हमारे हो गए स्पेसिफाइड सेल हो गए। अब ये काम कैसे करता है, तो ये हमारी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होगा, बाकी ये हमारी बॉडी में क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, यानी कि ब्लड के थ्रू, जैसे मान लो यहाँ हाथ से या मान लो गर्दन से निकला या ब्रेन से निकला, तो हमारी पूरी बॉडी में रिलीज होगा। और जहां पर इसकी जरूरत होगी वहां पे जाके क्या करेगा, उसको हम टारगेट सेल बोलेंगे। भाई यहां पे जरूरत है उसको हम टारगेट बोलेंगे। तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, उस टारगेट सेल पे जाके उसके कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उस रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा और फिर अपना एक्शन शो करेगा। तो इस तरह ये हार्मोन्स अपना जो है काम सारा शो करते हैं, और इन्हीं को हम जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक तरह से ये सिग्नल जनरेट कर रही है। यानी कि मान लो कहीं हार्मोन रिलीज हुआ, हमारे टारगेट सेल के पास आया, वहां पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो एक तरह से इन्होंने क्या किया, यहां पर सिग्नल दिया इनको रिसेप्टर को, रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट हुआ और उन्होंने अपना काम शो किया। तो इस तरह ये पूरा फंडा हमारे यहाँ पर चलता है, ठीक है। बाकी अगर बेसिकली फंडा देखें तो देखो, ग्लैंड्स थे, उन्होंने सीक्रेट किया हमारे हार्मोन सर्कुलेट हुआ हमारी पूरी बॉडी में, और जो टारगेट सेल थे जहाँ पे जरूरत थी उनकी, वहाँ के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हुए और अपना फंक्शन शो किया, ठीक है। तो बाकी अभी इनको हम डिटेल्स में आगे समझेंगे तो आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कि हार्मोन्स आकर एक्चुअल में होते क्या है, तो ये हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हमको पता है। बाकी इनके अंदर कुछ पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, अमीन और अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इनके कुछ मतलब अवशेष इन्हीं के द्वारा मिलकर बना होता है। बाकी ये अपना लो कंसंट्रेशन में एक्ट दिखाते हैं, ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं, छोटी सी अमाउंट में ये अपना काम दिखाते हैं। बाकी काम कैसे दिखाते हैं, हमारे टारगेट सेल पे जाके, और बाकी ये इनका एक फंडा और होता है, यहाँ हमारे टारगेट सेल पे गए, अपना काम दिखा, उसके बाद ये रैपिडली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, और बस इतना इनका जो है काम होता है। तो ये हमारी कुछ इसकी बेसिक बातें थी। अब हम समझना है कि आखिर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड थे ये हमारी बॉडी में कितने हैं, और उनमें से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इसको बढ़ाने के पीछे रीजन है कि अगर आपको एक बार ये कहानी समझ आ गई, तो जो भी हमारे फर्दर आगे टॉपिक आने वाले हैं, इन सब में हमारे कहीं ना कहीं हार्मोन्स का यूज हुआ है, तो वो सब आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन ग्लैंड्स को ले रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी होते हैं कुछ, तो यहाँ हमने मेन लिए हैं। तो सबसे अगर हम ऊपर देखें अपने अपनी बॉडी को अगर देखें, तो बॉडी के सबसे ऊपर हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन पर हमारा एक प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत ज़्यादा क्या है, मास्टर ग्लैंड नाम से भी जानते हैं। रीज़न क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्चुअल में हमारे जो बाकी के ग्लैंड्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। समझे क्या हुआ, मतलब मान लो कोई हमारे क्लास है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब बराबर के, लेकिन एक हमारा कौन बन जाता है, मॉनिटर, या इसको आजकल कॉलेज में CR बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटर। तो उसका काम क्या होता है कि वो हमारे इस पूरे के पूरे बच्चों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो इसीलिए हम उसको मॉनिटर बोलेंगे। उसी तरह हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब 7-8 हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसलिए इसको हम जो है मास्टर ग्लैंड नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इसके हमारे को ये हार्मोन्स हैं, इसके ये हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूँ। देन हमारा एक होता है थायराइड ग्लैंड, तो ये हमारा जो है गर्दन पर मतलब प्रेजेंट होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। तो इसमें से हमारे बेसिकली तीन हार्मोन निकलते हैं, ट्राईआयडोथायरोनिन जिसको हम T3 बोलते हैं, फिर थायरोक्सिन जिसको हम T4 बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन जो हमारा एक मतलब कैल्शियम वगैरह में हेल्प करता है प्लाज्मा लेवल को बढ़ाने के लिए। फिर हमारा यहाँ थर्ड आता है पैराथायरॉयड, तो ये जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड होता है इसके जस्ट पीछे हमारा ये पैराथायरॉयड प्रेजेंट होता है, ऐसे चार बिंदी में जो हमारी बटरफ्लाई शेप की होती है। जैसे मान लो ये हमारा हो गया, अगर इस तरह का हमारा हो गया ये थायरॉयड ग्लैंड आगे साइड है, तो इसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट में इस तरह से हमारे ये पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और इनके द्वारा हमारा हार्मोन निकलता है पैराथॉर्मिन, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा चौथा ग्लैंड आता है एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड से हमारे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, उसको आप समझो। एक हमारा सबसे मेन निकलता है इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये हमारा बेसिकली मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये दो पार्ट्स में कवर करता है। फिर हमारे इसके अंदर से कुछ सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे सेक्स स्टेरॉइड्स एक्चुअल में कहलाते हैं, जैसे हमारा ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन्स हो गया, और एंड्रोजन्स हमारा मेल सेक्स हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे इसी में से एड्रिनल और नॉन एड्रिनल जो हमारे केमिकल्स होते हैं ये भी रिलीज होते हैं। बस आप कहानी समझ लो, आगे हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। और देन हमारे यहाँ पर कुछ आते हैं, जैसे पैनक्रियाज हमारा मेन है, तो पैनक्रियाज हमारे तीन चीज़ों को निकालता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, तो ये भी आगे आपको पता चलेंगे। फिर टेस्टिस और ओवरीज, इसको तो हम जानते हैं, टेस्टिस हमारा टेस्टोस्टेरोन निकालता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, स्पर्म वगैरह बनाने में हेल्प करता है। ये ओवरीज हैं, ये हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालता है जो फीमेल सेक्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे टोटल ग्लैंड्स थे,
छः सात यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और इनके अंदर के ही हमारे हार्मोन्स थे, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली फंडा था जो आप समझ गए होंगे बेसिक। अब हम जो है अपने क्वेश्चन वाइज आते हैं। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन समझेंगे ये वाला कि राइट अ नोट ऑन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड था, जो मास्टर ग्लैंड था मेनली, इसके द्वारा कौन से हार्मोन हमारे सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा था, बी वाला पार्ट था। तो अब हम इसको समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट हम समझ गए इनका पूरा का पूरा। तो इसको हम अगर बी पार्ट में बोलें तो क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, उसके एनालॉग्स और उनके कुछ इनहिबिटर। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी कहानी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम जो है मास्टर ग्लैंड नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बाकी के जो हमारे बॉडी के फंक्शन या बाकी के जो ग्लैंड्स होते हैं उन सबको मॉनिटर करता है और उन सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आपको समझ आएगा कि ये रेगुलेट कैसे करता है, आगे आप थोड़ा सा चलते जाओ, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। बाकी देखा जाए तो ये एक स्मॉल ऑर्गन की तरह होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कुछ हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में ग्रोथ और सेक्सुअल डेवलपमेंट को देखते हैं। यानी कि ये चीज़ मैं आपको बता दी, वही हार्मोन्स का तो वही काम है, बस अलग अलग थोड़ी जगह काम होता है, बाकी हार्मोन्स को यहाँ आप डिफाइन कर देना। मतलब ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। मान लो अगर ये क्वेश्चन आएगा, पहले आप इसको डिफाइन कर दो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, देन इसके अंदर हार्मोन पूछे, आप हार्मोन को डिफाइन कर दो। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो आपको मतलब नंबर काटने के वो सोचेंगे भी नहीं, ये कहेंगे यार बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है डिटेल्स में, तो वो नंबर अच्छे देंगे। अब बारी आती है हमारी, जो इसका मेन हमारा पूछा गया था क्या, कि राइट एंड नोट ऑन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हमारे हार्मोन कौन से सीक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, तो बेसिकली हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है और ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अंदर का पार्ट, बाहर का पार्ट, इस तरह होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों जो हमारे पार्ट हैं, ये अलग अलग कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ये आप समझ लो। जो एंटीरियर पार्ट है, ये हमारा हार्मोन सीक्रेट करेगा, जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका ग्रोथ हार्मोन। तो ये पहला हमारा ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, सेकंड हमारा प्रोलैक्टिन आता है जिसके बारे में आप जानते होंगे लगभग, फिर हमारा आता है थर्ड एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन यानी कि ACTH, फिर हमारे यहाँ पर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, फिर हमारा आता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, और यहाँ हमारा आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब जो ये हमारे दो हार्मोन्स हैं, ये हम इसको मिला के गोनेडोट्रोपिन नाम से जानते हैं। गोनेट्स का मतलब होता है टेस्टिस ओवरी, यानी कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको जानते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो हमारे दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाने का काम। इसी तरह के हमारे कुछ फंक्शन होते हैं, हम आगे समझेंगे। बाकी यहाँ पर बात करें तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारे कुछ दो हार्मोन को रिलीज करता है। पहला हमारा ऑक्सीटोसिन है और दूसरा हमारा है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका मेन एग्जांपल क्या था, वैसोप्रेसिन। तो ये इसको तो आप जानते होंगे, डायूरेटिक को रोकने का काम करता है, और जो ऑक्सीटोसिन है ये फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना बहुत ज़्यादा रोल क्रिएट करता है। तो ये हमारे थे इसके मेन, हमारा क्वेश्चन आता है इसके लिए यानी कि एंटीरियर पार्ट में, और यही हमारा सिलेबस में क्या है, दिया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे क्या है, छः सात हार्मोन है, एक एक करके हम सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी, मतलब आप ये पूरा बना दोगे ना, इसके बाद बस आपको जो है दो दो तीन तीन लाइन इनके बारे में बतानी है और आपका क्वेश्चन एकदम कनेक्ट हो जाएगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन। तो देखो जो हमारे बाकी के हैं इनके बारे में तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए हम पहले मेन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ग्रोथ हार्मोन को जो है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन नाम से भी जाना जाता है, इनके STH, और ये हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एसिडोफाइल सेल्स होते हैं उनके द्वारा रिलीज किया जाता है, पहला फंडा। उसके बाद हम समझते हैं जो हमारा ये जो है ग्रोथ हार्मोन है, ये एक्चुअल में कंट्रोल कैसे होता है। तो इतना आप समझ लो कि जो भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता है हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू। किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो हाइपोथैलेमस हमारा दिमाग का एक छोटा सा ऐसा पार्ट है जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी कि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इसमें क्या निकल के आती है, हाइपोथैलेमस निकल के आती है। तो ये हमारा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई जाओ आज इसको रिलीज करो, आज इसको रिलीज करो। तो इस तरह ये अपना जो है काम यहाँ पे शो करता है। तो अब देखो कि ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज कैसे होता है। तो एक हमारा यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर होता है, ये वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, ये यहाँ से रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को GHRF, और जब ये हमारा इसके पास पहुँचेगा, ये हमारा क्या करेगा, ये इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने लगेगा। और जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो ये कहीं ना कहीं जाके अपना जो है फंक्शन दिखाएगा। तो अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन हमारा मेनली क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में हाइपरप्लासिया इंक्रीज करता है। हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के सेल्स या ऑर्गन्स होते हैं उनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के नंबर सेल बढ़ेंगे तो भाई ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा साइज बढ़ेगा, लंबाई वगैरह बढ़ती है, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ने लगती हैं इसी ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से।
तो बेसिकली देखा जाए तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारी बॉडी के टोटल पार्ट में काम करता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है उस ब्रेन में ये अपना असर नहीं करता। ब्रेन और आई उन दोनों में इसका कोई रोल नहीं होता, बाकी ये हमारी बॉडी में हर जगह मतलब जो है हमारे सेल्स और टिश्यू को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी का साइज बढ़ता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। तो ये हमारा मेनली किसका काम होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। बाकी ये बढ़ाता कैसे है, तो देखो नॉर्मल हम जानते हैं हमारी बॉडी को जो हमारे सेल्स उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बनती है जिससे हमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होती है। तो ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये एक्चुअल में क्या करता है कि ये इनकी यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा, यानी कि जो हमारे सेल्स इनका यूज़ करके एनर्जी बना रहे थे तो इनका जो यूज़ है उस यूज़ को हमारा बढ़ा देगा ये ग्रोथ हार्मोन। तो जैसे ही हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा हमारे सेल्स इनका यूज़ करेंगे और अपने आप को इंक्रीज करेंगे, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारे ये फंक्शन यहाँ पे काम करता है। अब फंडा आता है एक मैकेनिज्म का, तो समझ लो वैसे तो इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं यहाँ पे। तो देखो नॉर्मली हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। अब इसका फंडा सब यही है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं ये हमारे जैक स्टेट काइनेज वाले रिसेप्टर होते हैं। अगर आपको याद हो हमने 4M में जो रिसेप्टर वाली वीडियो देखी थी वहाँ पर हमने इनका फंडा जाना था। तो ये हमारे जो प्रोटीन जेनेस काइनेज वाले होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे ये एक्टिवेट होते हैं ये अपने आपको दो जुड़ जाते हैं, दो जुड़ने के बाद अपना एक्शन शो करते हैं। मैं इसको यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इसके थ्रू ये अपना जो है काम शो करते हैं। तो जैसे ही अपने ये काम शो करेंगे ये अपना यहाँ पर काम शो करेंगे, हमारे न्यूक्लियस वगैरह के एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी बॉडी होगी डेवलपमेंट अपना क्रिएट करेगी और उसकी जो ग्रोथ होगी वो हमारी बढ़ जाएगी। इस तरह बेसिकली ये हमारे फंडे काम करते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि ग्रोथ हार्मोन से होता क्या है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन से फंडा आप समझ के क्या करता है, हमारी बॉडी में बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है, बाकी हमारी बॉडी में जो यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा इन तीनों चीजों का, जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जो है ग्रोथ करने लगेगी। अब मान लो ग्रोथ हार्मोन है, अगर हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाए, यानी कि मान लो वो हमारी बॉडी में रिलीज कम हो रहा है, तो जब वो कम रिलीज होगा तो यहां पर एक चीज हमारी होती है ड्वार्फिज्म। तो आप इसको जो है कमेंट्स करके बताना क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको बतानी है, ड्वार्फिज्म हो गया, गिगंटेसिम हो गया और एक्रोमेगली हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको कमेंट करके डिफाइन करनी है या आपको शॉर्ट में मतलब बतानी है क्या है कैसे, ठीक है। तो मैं अभी शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। मान लो डेफिशिएंसी हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन, मतलब हमारी सिक्रीशन कम हो रही है, तो यहाँ पर जो बच्चे की या किसी की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कम हो जाएगी। अब जैसे आप लोगों ने बहुत देखे होंगे लोग कुछ हाइट के कम रह जाते हैं, इनको हिंदी मतलब गट्टे वगैरह बोलते हैं ना, हाइट कम रह गए, नाटे लोग रह गए, तो उनमें इसकी कमी हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि उनका साइज वगैरह इंक्रीज नहीं हो पाता। तो ये बेसिकली हमारा डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर हमारी अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए कि मान लो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने तो उसको हम हाइपरसिक्रीशन बोलेंगे और उसमें ये दो बीमारी होती है। और इसमें मेनली होगा क्या, आप लोगों ने कभी देखा हो जो बच्चे वगैरह होते हैं किसी किसी के बच्चे के मुंह ज़्यादा बड़ा दिखता है, मतलब फेस ज़्यादा बड़ा होता है, फेसियल की जो बोन वगैरह या पूरा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें ये कंडीशन हमारी अप्लाई होती है कि ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। या कोई कोई लोग ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब छोटे होंगे 12-15 साल के लेकिन लगते हैं जैसे 20 के हो गए 21 के हो गए, तो वहाँ भी हमारे ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। तो ये दोनों फंडे बेसिकली इनके होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ कुछ ड्रग्स के बारे में, तो जिनको हम एनालॉग बोलेंगे, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन की तरह ही होते हैं। तो यहाँ बेसिकली दो तीन चीज़ें हमारी, दो मैंने यहाँ लिखी हैं, सोमैटोट्रोपिन और सोमेट्रॉल। तो जो सोमेटोट्रोपिन है ये जो हमारा जैसे ग्रोथ हार्मोन है उसी को लेकर उसके डीएनए वगैरह की प्रोसेस करा के इंजीनियरिंग और ये हमारा बनाया जाता है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन में मान लो ये जब डेफिशिएंसी होगी तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल फंडा है। बाकी इसको हम बाकी ये हमारा सोमेट्रोपिन ये हमारा ग्रोथ हार्मोन का डेरिवेटिव होता है। तो इसी दोनों को हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन की जगह यूज़ करेंगे इन द केस जब हमारे क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन होगी ग्रोथ हार्मोन की। बाकी बात करें तो ये बच्चों में रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होगा, मतलब पूरा इसको यूज़ कर सकते हैं कब, जब बच्चों में डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की। बाकी बात करें तो ये हमारे पेशेंट जो टर्नर सिंड्रोम वाले होते हैं या एडल्ट की जो हाइट वगैरह ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है उस केस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकता है, यहाँ से कुछ हेडेक हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये कुछ इसके क्या हो गए, हमारे एडवर्स इफेक्ट हो गए। बात करते हैं सेकंड, जीएच इनहिबिटर्स, यानी कि इसके जो इनहिबिटर्स हैं जो इसको रोकेंगे, तो इनको हम यूज़ कब करेंगे, जब हमारी क्या होगी हाइपरसिक्रेशन, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा उस केस में हम क्या करेंगे, जीएच इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारा पहला होता है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। तो जो सोमेटोस्टेटिन है ये हमारा बेसिकली होता है जो हमारा नॉर्मली हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को रोकता है। तो अब मान लो हमें इसका इनहिबिटर बनाना है तो हम इसी के एनालॉग बना देते हैं, तो ये हमारी सीक्रीशन को रोक देता है, यानी कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसकी सीक्रीशन रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो आपको याद होगा कि हाइपोथैलेमस था, यह हाइपोथैलेमस हमारा इस वाले जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर की मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश भेज रहा था कि जाओ भाई इसके रिलीज को बढ़ाओ, तो ये इसको यहाँ पे रोक देगा। और जब ये हमारे यहाँ रुक जाएगा सोमेटोस्टेटिन के द्वारा तो यहाँ पे ये संदेश रुक जाएगा, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बस इतना सा सिंपल इसका फंडा होता है।
बाकी यहाँ इसके ड्रग आ गए, जैसे हमारा ऑस्टेरिस्टाइड हो गया, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी हमारा लेंस रियोटाइड आ गया और बेल प्रियोटाइड आ गया, यहाँ प्रियोटाइड शायद आएगा। तो ये हमारे कुछ इसके ड्रग्स होते हैं, ठीक है। बाकी और इसके एक एंटागोनिस्ट होता है, काम सबका अलग होता है, ये हमारे जो जीएच के रिसेप्टर थे उनको जाके ब्लॉक कर देगा, जिससे ये अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो बेसिकली हमारा एक्रोमेगे या जो हमारी ये वाली कंडीशन थी हाइपर सीक्रेशन वाली, इस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, ये हमारे यूज होते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, डायरिया, एब्डोमेन पेन, ये हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। फिर बात करें हम प्रोलैक्टिन की, तो ये हमारा सेकंड हार्मोन था जो हमारा इस एंटीरियर के थ्रू यहाँ पे निकल रहा था। तो प्रोलैक्टिन बेसिकली क्या होता है, उन फीमेल्स में निकलता है या उन फीमेल्स में ज्यादा सीक्रेट होता है जिन फीमेल्स में क्या होता है, एक हमारे कंडीशन होती है पोस्टपार्टम स्टेट। तो ये क्या होती है, जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स, उसका जैसे ही मतलब डिलीवर हो जाता है बच्चा, तो उसके बाद तुरंत क्या होता है, उनमें लैक्टेशन की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लैक्टेशन की प्रोसेस कब बढ़ती है, जब वहां पर क्या होता है, प्रोलैक्टिन हमारा जो है निकलता है। और प्रोलैक्टिन जो हमारा निकलता है वो इसी कंडीशन में निकलता है, जैसे ही हमारा मतलब डिलीवरी हो जाती है उसके इमीडिएट बाद, यानी कि चाइल्ड बर्थ के इमीडिएटली ये हमारा निकलता है बाद में। और इससे क्या होता है, वुमेन्स वगैरह मतलब अपने बच्चे को फीड कर सके मिल्क, तो इसी के लिए ये हमारा बेसिकली यूज होता है। तो ये हमारा था प्रोलैक्टिन। अब इसकी रिलीज कैसे होती है, तो यहां से जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये अपने पास से रिलीज करता है यहां पर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर को। और जैसे ही हमारा ये प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर यहां पे पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा इस प्रोलैक्टिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये प्रोलैक्टिन हमारा इसमें जाके क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। तो सिंपल सा इसका फंडा होता है। फिर इसके कुछ इनहिबिटर्स की बात करें तो हमारा ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, या अगर मान लो किसी में ज्यादा हो गया प्रोलैक्टिन जरूरत से ज्यादा, या कम उम्र में अगर रिलीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हम इनका इनहिबिटर यूज करते हैं, जिससे आप समझ सकते हो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह काम करता है। और एक और बात समझ लो, जो हमारा प्रोलैक्टिन है उसकी रिलीज को रोकने का हमारा कौन करता है, डोपामिन करता है। यानी कि डोपामिन एक तरह कह सकते हैं कि हमारे प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इसका फंडा था, ठीक है। अब हम समझते हैं, अपना नेक्स्ट हमारा आता है एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन। तो जो हमारा ये ACTH है, इसके और इसके बारे में तो वैसे हमने बेसिकली दो मार्क्स में अपना बहुत डिटेल्स में कवर किया था, तो वहां आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड से जो हमने यहाँ पर देखा था, ये एड्रिनल ग्लैंड, तो इसकी जो हमारी ये जितनी भी रिलीज दिख रही है आपको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्रेटॉइड और एड्रिनल, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि ये चीज हमारी क्या होगी, ये सब हमारी क्या करेगी, इनकी रिलीज को बढ़ाने का काम करती है। तो बेसिकली बस इतना सा इसका फंडा होता है, बाकी जब जो है इसका फंडा हम डिटेल्स में समझेंगे। बाकी अब हमारा यहाँ पर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो हमारा ये TSH है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, यहाँ पे आपको दिख जाएगा थायराइड ग्लैंड, तो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। अब जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसके अंदर के जो हमारे हार्मोन्स थे, थायरोनिन था, थायरोक्सिन था, कैल्सिटोन था, इनकी रिलीज भी बढ़ जाएगी और ये अपना काम एक्शन शो करेंगे। तो बस इतना सा बेसिकली फंडा था इसका, कि आपको नाम से समझ आ रहा है स्टिमुलेटिंग, यानी कि ये स्टिमुलेट कर रहा है हमारे थायराइड के हार्मोन्स को, जिससे हमारा थायराइड अपना काम करे और हमारे जो थायराइड के हार्मोन थे वो ज्यादा सीक्रेट हो। अब इनका काम क्या होता है कि जो हमारे थायराइड के हार्मोन थे, ये बेसिकली हमारे बॉडी में उसका ही काम करते हैं, यानी कि जो ग्रोथ वगैरह होती है, जो रेगुलेट करते हैं हमारी ग्रोथ को, उन्हीं में ये हमारे यूज करते हैं, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं आगे समझा दूंगा। देन हमारे यहाँ पर दो हार्मोन आते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए थे, ये हमारी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, और जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जो फीमेल्स वाले हैं वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो मेल्स वाले वो मेल्स में स्पर्मोजेनेसिस और इन सब में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली आपको इन सब की बातें लिखनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिए, और ये सब के बारे में डिटेल्स में हमको आगे पढ़ना है, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में आपको बता दिया, तो इनके बारे में आप आराम से लिख सकते हो। तो ये था बेसिकली हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, और यही आगे हमारे काम आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया, अब हमारा दूसरा मेन क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग। यानी कि अब हमको थायराइड और एंटी थायराइड के बारे में स्टडी करना है, या अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इसमें टॉपिक क्या है, थायराइड हार्मोन, इसके अंदर एनालॉग्स एंड देयर इनहिबिटर। तो ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें हम थायराइड हार्मोन्स के बारे में, तो थायराइड हमारा वो हार्मोन्स है जो बेसिकली हमारा थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और बहुत से काम इसके होते हैं उनमें ये अपना रोल प्ले करता है। तो ये बेसिकली हमारा थायराइड था, फंक्शन रोल मैं आपको आगे भी और डिटेल्स में बता दूंगा। तो आप समझो कि ये इनका पूरा फंडा मतलब चलता कैसा है, ये पूरा का पूरा फंडा आपको समझ, ठीक है। बाकी अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें बेसिकली, तो ये हमारा बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे ट्रैकिया के आगे प्रेजेंट होता है, आपको इस तरह दिख जाएगा, ये मान लो हमारा ट्रैकिया है, तो आगे आपको इस तरह का दिख जाएगा, थोड़ा सा बटरफ्लाई शेप का है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है मतलब उस साइड वाला जो पार्ट होगा वहां पर इस तरह के चार आपको डॉट मिलेंगे, वो हमारा पैराथायरॉइड, यानी कि दूसरा जो हमारा ग्लैंड था पैराथायरॉइड वाला, वो हमारा वो वाला ग्लैंड होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये बेसिकली होता है। आप समझते हैं इसका बेसिकली फंडा कि ये सारा खेल काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, रिलीज करता है TRH को, इसका मतलब क्या होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही हमारा ये रिलीज होता है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके लगेगा।
अब जैसे ही हमारा एंटी पिट्यूटरी का लगेगा, ये हमारा रिलीज करेगा TSH, जो मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर। तो TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे ही हमारा ये आएगा, ये हमारा हार्मोन जाएगा और हमारे थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बेसिकली क्या है, थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, तो इसके पास हमारा ये TSH जाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे ही हमारे थायराइड ग्लैंड के पास ये चीज आई, ये हमारी उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। यानी कि जो इसके काम करने की क्षमता थी, ग्लैंड जो अपना काम कर रहा था, उसकी जो पोटेंसी थी, उसको ये बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, ये बेसिकली हमारी दो चीजों को बना, तीन चीजों को बना रहा था, T4, T3 एंड कैल्सिटोन, तीन तरह के हमारे हार्मोन थे, उनकी प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये हमारा बढ़ा देगा। और जिस भी टारगेट ऑर्गन पे इनको जाना होगा, वहां जाके ये अपना काम शो करेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में आके आपको बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। बस ये आप बेसिकली इतना समझो, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया TRH, उससे बना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आया मतलब, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, फिर हमारा इसने सीक्रेट किया TSH, यानी कि ये इसके तरह मैसेंजर का काम करता है। इसने रिलीज किया TSH को, TSH हमारा थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, वहां पे जाके वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को रिलीज कर रहा था, T4, T3 और कैल्सिटोनिन को, इसको ये इंक्रीज करेगा, ज्यादा मात्रा में रिलीज करेगा, और फिर ये हमारे टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे और अपना जो भी काम होगा उनको शो करेंगे। अब इसका एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी चलता है, वो आप समझ लो अभी आगे आके बहुत काम आएगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, ये जो T4 है, T3 है, ये अपना काम करने के बाद इन पर एक मतलब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चलता है यहाँ पे, मतलब इनका एक सेंस यहाँ पे जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और इनसे बोलेगा कि बस अब हमको जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा, यहाँ पे होता है नेगेटिव चालू, यानी कि अब हाइपोथैलेमस हमारा इसकी रिलीज को कम कर देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा इसकी रिलीज को कम कर देगा, जिससे हमारा जो थायराइड ग्लैंड था उसकी एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी और नॉर्मली जितना बनना चाहिए उतना हमारा यहाँ थायराइड बनेगा और बाकी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी। तो इस तरह पूरा फंडा हमारे यहाँ पर चलता है सारा का सारा। अब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो इसके अंदर बेसिकली आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ इस तरह के आपको सेल्स दिखते हैं। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारी एक ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है, ये हमारे कॉलोइड्स हैं और यहाँ पर और भी हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हमारे यहाँ पर क्या था, फॉलिक्यूलर सेल। तो मैंने यहाँ पे आपको बना दिया इस तरह का, आपको ये दिख जाएगा। तो अब जो है हम इन्हीं को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर हमारा ये जो हार्मोन है वो रिलीज कैसे करता है। तो अब हमारा इसमें सबसे मेन टॉपिक क्या आता है, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये बेसिकली हमारे 4 से 5 स्टेप की कहानी होती है। सबसे पहले इसमें होता है, आप इसे समझो डायरेक्टली। तो देखो, नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है उसमें हमारा जो प्लाज्मा होता है वहाँ पर हमारे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ पर एक हमारा आयोडाइड आयन प्रेजेंट होता है, यानी कि आई के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा होता है प्लाज्मा आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड आयन प्रेजेंट होता है। अब नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे ये फॉलिकुलर सेल है, यानी कि जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड था, इसको जूम करेंगे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल है इसी के अंदर एक्चुअल में हमारी जो प्रोडक्शन थी थायराइड हार्मोन की, वो हमारी इन्हीं के अंदर प्रोडक्शन होती है। तो आप समझो कैसे हो रही थी। तो यहाँ हमारा ब्लड के अंदर एक आयोडाइड प्रेजेंट है, आई नेगेटिव। तो ये हमारा इस पंप के द्वारा, ये हमारी ATPS पंप होती है, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये आयोडाइड हमारा इस फॉलिकुलर सेल के अंदर चला जाता है। यानी कि इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं अपटेक ऑफ आयोडाइड, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आयोडाइड था वो अपटेक कर लिया गया किसके थ्रू, हमारे थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के थ्रू, यानी कि फॉलिकुलर सेल के थ्रू। तो ये हमारा आयोडाइड क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। अब ये आयोडाइड की यहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम लगता है, आयोडाइड पेरोक्साइड। देखो ये तो हमारा सेम था, तो आयोडाइड पेरोक्साइड के साथ क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये हमारा जो आई था, इसकी ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, ये हमारा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। तो ये जो I2 है, ये एक्चुअल में हमारा क्या है, आयोडीन है, जिसकी हमको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये आयोडीन बन गया, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कराते हैं जो हमारे इसके अंदर एक टायरोसिन पहले से प्रेजेंट होता है, हमारे जो सेल्स है यहाँ पर हमारे टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये टायरोसिन और ये आयोडीन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को बोलें, क्या बोल सकते हैं, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन, यानी कि टायरोसिन की क्या हो रही है, यहाँ पर आयोडिनेशन हो रही है, यानी कि यहाँ आयोडीन के साथ क्या हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है। तो जैसे ही इन दोनों की क्या होती है, यहाँ पर मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पर हमारा एंजाइम लगता है टायरोसिन आयोडिनेज, ASE लगाया ना, आयोडिनेज। तो ये एंजाइम की वजह से यहाँ पर हमारा बन जाता है MIT और DIT। अब समझो इनकी कहानी। तो जो हमारे ये MIT और DIT हैं, इनको हम जो है आयोडोटायरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडोटायरोसिन। नॉर्मल समझो क्या होता है, IT और IT का मतलब होता है आयोडोटायरोसिन, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। चलो फिर से नॉर्मली समझो, यहाँ पर हमारी आयोडिनेशन हो गई टायरोसिन की, दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या बनाया, हमारा बनाया MIT और DIT। तो MIT हमारा होता है यहाँ पर बेसिकली मोनो आयोडोटायरोसिन, और जो DIT होता है वो हमारा होता है डाई आयोडोटायरोसिन। अब ये जो हमारे बनते हैं, ये हमारे फ्री फॉर्म में नहीं बनते,
क्या बनते हैं, ये हमारे फ्री फॉर्म में नहीं बनते, बल्कि ये आपको दिख रहे होंगे इस तरह की हमारी एक लंबी सी चेन बन जाती है। यानी कि यहाँ पर MIT DIT फिर MIT फिर DIT फिर MIT DIT, इस तरह से हमारे ये मिक्स होते हैं आपस में। तो इन ये पूरा का पूरा जो हमारा मिक्स कंपाउंड होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। और इसको प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कपलिंग ऑफ आयोडो टायरोसिन, यानी कि यहाँ पर एक तरह से कपल फॉर्म में हमारे ये बनकर पूरे तैयार हो गए हैं। तो ये हमारी होती है कपलिंग ऑफ आयोडो टायरोसिन, और यहाँ पर जो ये पूरा कंपाउंड हमारा कहलाता है थायरोग्लोबुलिन कहलाता है, और एक तरह से ये एनर्जी का हमारा फॉर्म होता है। तो हमको क्या चाहिए, T3 T4। तो अब इसके बाद हमारी जो चौथी प्रोसेस यहां चलती है वो हमारी क्या होती है, प्रोटीलाइसिस। तो यहां प्रोटीलाइसिस का मतलब अगर तोड़ो तो क्या बनता है, प्रोटी मतलब होता है प्रोटीन, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लोबुलिन आपको याद होगा, तो ये हमारा एक तरह से प्रोटीन फॉर्म में बना है, तो इसकी क्या होगी, यहाँ पर ब्रेकडाउन होगी, यानी कि टूटेगा। तो ये हमारा टूटेगा यहाँ पर, और जो MIT DIT होंगे ये हमारे अलग अलग होकर क्या बनाते हैं, हमारे T4 और T3 बनाते हैं। अब समझो सारी कहानी यहाँ पर क्या हुआ। तो ये थायरोग्लोबिन था, ये हमारा टूटा, तो टूट के मतलब इसके अंदर हमारी ये चीज़ें प्रेजेंट थी, MIT यानी कि मोनो आयोडो टायरोसिन और DIT यानी कि डाई आयोडो टायरोसिन। जो मोनो वर्ड से आप एक समझ रहे, मतलब यहाँ पर हमारा एक आयोडो टायरोसिन प्रेजेंट होता है, डाई का मतलब दो, यानी कि यहाँ के हमारे दो आयोडो टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा थायरोग्लोबिन था, इसकी होती है ब्रेकडाउन। तो जब टूटता है तो किसी में हमारे ये दोनों बन जाते हैं। इसको आप समझो कैसे, जैसे हमारे ये टूटता है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, इसकी प्रोटियोलाइसिस होती है। यहाँ पर हमारा एक आ जाता है MIT, एक आता है DIT। तो यहाँ पर देखो, ये एक था, ये हमारा दो थे, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना, तीन बना। तो यहाँ पर क्या जाता है, T3, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई आयोडो थायरोनिन बोलेंगे। नाम आपको याद रखने, T3 बोले तो ट्राई आयोडो थायरोनिन, यानी कि यहाँ पर तीन बना, तो यहाँ पर एक लिया, यहाँ से दो लिया, हमारे बन गए तीन, तो ये हमारा हो गया ट्राई आयोडो थायरोनिन। अब ये हमारी बारी आती है, तो यहाँ पर एक हमारे, यहाँ पर मोनो का कोई मतलब नहीं, यहाँ जो हमारा ये डाई आयोडो थायरोसिन है, ये हमारा दो पार्ट में चला जाता है, यानी कि इसके जब दो पार्ट्स लेंगे तो हमारा ये टू से क्या बन जाता है, T4। और जो हमारा T4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। तो जो आपको ये दिख रहा होगा थायरोग्लोबुलिन, इसकी क्या होती है, प्रोटीलाइसिस। हमारे ये ब्लड में क्या निकल जाते हैं, T4 और T3 दोनों के दोनों हमारे जो हार्मोन्स थे वो हमारे यहाँ पर निकल के हमको मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली इनका यहाँ पर फंडा होता है। अब एक छोटा सा फंडा और होता है, आप यहाँ समझ लो क्या, कि जो हमारे ये थायरोक्सिन है T4 है, इसकी यहाँ पर होती है डी आयोडिनेशन। अब डी का मतलब होता है डिलीट करना, और आयोडिनेशन मतलब क्या होता है, एक आयोडीन को यहाँ पर क्या करता है, डिलीट। तो यहाँ पर जैसे टेट्रा, इसको जैसे ये ट्राई आयोडो है ना, वैसे ये हमारा टेट्रा आयोडो थायरोनिन था। तो यहाँ पर एक जब हम डिलीट कर देंगे तो ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है T3 में। तो ये फंडा है, मैंने लिख दिया, आप चाहो तो लिखो, वरना कोई बात नहीं, आपके लिए इतना इनफ है। तो इनके द्वारा हमारा T4 और T3 ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो आई होप आप लोग ये बेसिकली फंडा पूरा समझ गए होंगे, और इसी को यहाँ थोड़ा सा, मतलब आपको डिटेल्स में ज़्यादा नहीं करना, आप इसको बना देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये पॉइंट आप लिख देना, पहले में अपटेक ऑफ आयोडाइड, हमारा आयोडाइड यहाँ से अपटेक होकर अंदर चला गया फॉलिकुलर सेल में। सेकंड हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू फ्री आयोडीन, हमारे यहाँ जो आयोडाइड था इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारा आयोडीन बन गया। फिर यहाँ पर हुई आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन, हमारे यहाँ पर इसके साथ हम आयोडिनेशन करा देंगे, और जब आयोडिनेशन हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा बनता है कपलिंग ऑफ आयोडो टायरोसिन, यानी कि हमारे जो आयोडो टायरोसिन बनते हैं मोनो वाले डाई वाले, ये हमारे क्या होते हैं, कपल फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि जोड़े में, और इस तरह से हमारी एक लॉन्ग सी चीज़ बन जाती है। तो ये हमारी होती है कपलिंग ऑफ आयोडो टायरोसिन। देन हमारे यहाँ पर होती है प्रोटीलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, तो ये जो हमारा बनता है इसको हम थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो इसकी हो जाती है प्रोटीलाइसिस, यानी कि इसका होता है ब्रेकडाउन, और ये हमारे क्या होते हैं MIT और DIT में कन्वर्ट, मतलब टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर कुछ इस तरह से हमारा T3 T4 बनता है। यानी कि जब एक MIT और दो DIT मिल जाते हैं तो हमारा बनता है T3, और जब दो DIT आपस में मिल जाते हैं तो हमारे यहाँ बनता है थायरोक्सिन बनता है। तो इस तरह हमारा ये बाद में क्या हो जाता है, ये यहाँ से टूट कर रिलीज हो जाता है, और ये चीज़ हमारी बन जाती है। तो ये था पूरा का पूरा बेसिकली फंडा सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायरॉयड हार्मोन का। ठीक है, आई होप आप लोग ये पूरा फंडा समझ गए होंगे। अब इसी के सारे हम इसके जो एनालॉग हैं या जो इसके इनहिबिटर हैं उनको हम समझने वाले हैं। फंक्शन की बात करते हैं, तो जो हमारे ये पूरे हैं इनका मेनली फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम करते हैं, उसमें डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा पेरिफेरली आप इसके फंक्शन को बता सकते हैं। दूसरा बात करें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी डेवलप करने का काम करते हैं। कौन, थायराइड वाले, ग्रोथ हार्मोन नहीं बोला मैं, यहाँ बोल रहा हूँ थायराइड वाला जो हार्मोन है वो हमारे CNS में भी थोड़ा सा क्या करता है, डेवलपमेंट कॉज करता है। फिर हमारे ये क्या करते हैं, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट या जो प्रोटीन थी उनकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो जो हमारे सेल्स थे वो सेल क्या करेंगे, इनका यूज एक्सेसिव मात्रा में करेंगे, जिससे वो अपने आप को क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ डेवलप करेंगे। अब ये चीज़ आपके लिए बार बार आने वाली है, क्या, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म। तो एक बार आप इस फंडे को समझ लो। तो देखो, नॉर्मल अगर हम देखें तो मान लो ये हमारा क्या है, सेल है।
अब सेल करता क्या है, तो सेल हमारी सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को लेता है, ग्लूकोज के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है वहां पर हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, आपको अगर याद हो तो वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारी चलेगी तो वहां से हमारा पाइरूवेट वगैरह बनते हैं और हमको कुछ एनर्जी मिलती है यानी कि एटीपी, जिससे हमारी बॉडी चलती है। फिर उनके द्वारा हमारा टीसीएस साइकिल जो पाइरूवेट वगैरह वो हमारी फर्दर टीसीएस साइकिल में जाते हैं, फिर टीसीएस साइकिल के द्वारा भी हमको एनर्जी और एटीपी वगैरह मिलती है। तो ये हमें एटीपी और ये सब हमें मिल रही थी प्रोटीन वगैरह। तो अगर आपको याद हो तो ये सब हमारा हुआ कहाँ से, ग्लूकोज से हुआ। तो हमको क्या चाहिए, इस सेल को चाहिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमें कहाँ से मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रेक डाउन करें यानी कि मेटाबोलाइज करें तब हमको ग्लूकोज मिल रहा था। तो ग्लूकोज जितना ज़्यादा मिलेगा हमारा सेल ग्लाइकोलिसिस उतना ज़्यादा करेगा और एटीपी या एनर्जी को उतना ज़्यादा जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो भाई ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज भी हमारा ज़्यादा बनेगा। ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो हमारा सेल्स भी इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेगा, ग्लाइकोलिसिस टीसीएस सारी की सारी साइकिल हमारी सेल में बहुत ज़्यादा जल्दी चलेगी और हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, एटीपी प्रोटीन ज्यादा मिलेगी। और जो प्रोटीन होगा फिर प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन करके एनर्जी कॉज करेगा और ये सारी चीजें ओवरऑल हमारी बॉडी में क्या करती हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ जनरेट करती हैं। क्या करती हैं, ग्रोथ। तो यही बेसिकली फंडा था सबका कि तो ओवरऑल हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, ठीक है। बाकी ये हमारे हार्ट में काम करें तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका फंडा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर और बात करें तो इसके पास थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है अपना हाइपोलिपिडेमिक, यानी कि जो हमारी बॉडी में लिपिडेमिया बढ़ जाता है, हाइपरलिपिडेमिया, उसको ठीक करने का काम करते हैं। बाकी ये ओवरऑल हमारे जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है बीएमआर, जो आपने देखा होगा नॉर्मली गिनते हैं ना, उसको भी अच्छा करने का काम करता है, यानी कि हम कितनी डाइट ले रहे हैं उस डाइट से हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो ये बेसिकली बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा थायराइड का पूरा फंडा हो गया। अब हमको समझना है कि थायराइड हार्मोन अगर कम हो जाए तो हमारे में होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, ज़्यादा हो जाए तो होती है एक्सेसिव सीक्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। नाम से समझ आ रहा है, हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयड की हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो, हाइपर मतलब ज़्यादा और कंसंट्रेशन इसकी। तो अब इनमें होता क्या है, तो अगर आपके लिए मतलब ये सेपरेटली दो दो मार्क्स में आ सकते हैं, डिफाइन हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में थायरॉयड हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसकी वजह से, कि जो हमारे यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड था, ये जो आपको दिख रहा था, ये जो थायरॉयड ग्लैंड था यही हमारे हार्मोन को बना रहा था, तो इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। और जब इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा थायरॉयड था वो उसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करेगा और इससे हमारी बॉडी में ग्रोथ वगैरह कम हो जाती है, सेल्स अपना काम कम करेंगे, ये सारा बेसिकली फंडा होता है। अब आती है एक्सेसिव की बात, तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जो हमारा ये ग्लैंड था, ये जो अपनी एक्टिविटी कर रहा था इस फॉलिकल सेल के द्वारा, हमारे में जो ये बन रहे थे T3 और T4 यानी कि थायरॉक्सिन के हमारे, ये हमारे बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारा थायरॉयड जल्दी जल्दी काम करेगा, ये जो प्रोडक्ट था पूरा हमारे बॉडी में जल्दी हो जाएगा और इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में थायरॉयड हार्मोन की क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ गई और ये भी हमारी बॉडी में क्या होगा, नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और प्रॉब्लम भी कॉज होगी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल है, तो हमको क्या चाहिए, कोई भी चीज़ हमको चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पढ़ते हैं ड्रग। तो पहला केस हमारा आता है डेफिशिएंसी वाला, मान लो जब हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई, उस केस में हम पढ़ते हैं एनालॉग, यानी कि थायरॉयड हार्मोन एनालॉग, ऐसे ड्रग्स जो हमारे थायरॉयड हार्मोन की नकल करेंगे, उन्हीं के जैसा अपना काम शो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो से तीन ड्रग हमारे मेन आते हैं। पहला हमारे यहाँ था लीवोथायरॉक्सिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल थायरॉक्सिन, और ये हमारा सिंथेटिक वर्जन होता है थायरॉक्सिन, यानी कि जो T4 होता है ना उसी को सिंथेटिक तरीके से हमारा बनाया गया है, तो ये हमारा बनता है लीवोथायरॉक्सिन। तो ये हमारा मेनली जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन थी उसमें हेल्प करता है, बाकी इसको जब हम लेते हैं बॉडी में तो हमारे जो GI ट्रैक्ट होता है वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये मेनली हमारा पहला ड्रग था, ज़्यादा हमको डिटेल्स में नहीं जाना, आपको ड्रग्स याद रखना है, एक दो उनका काम याद रखना है। सेकेंड हमारा आता है लियोथायरोनिन, तो इसको हम एल थायरोनिन इसको भी बोलते हैं, और ये हमारा जो T3 था यानी कि ट्राई आयडोथायरोनिन उसका एक सिंथेटिक वर्जन होता है, यानी कि लियो थायरोनिन जिसको हम एल थायरोनिन, ये दोनों नाम आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो वही सेम फंडा है। तो ये हमारे में इमरजेंसी जब कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा सीवर केस हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म का, तब हम जो है इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है यहाँ लियोथेरिक, तो ये एक तरह से हमारा इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि T4 T3 दोनों ले लिए और उनको मिक्स किया, यानी कि चार मतलब मान लो अगर हमने अमाउंट में लें तो मान लो अगर हमने 100 लिया यहाँ पर अपना ये थायरॉक्सिन वाला, तो जो T3 था उसको हम मात्र लेंगे 20, तो 1/4 का मतलब 25 लेंगे, तो 1/4 के रेशियो में, 4/1 के रेशियो में हम इन दोनों का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे बेसिकली हमारे इसके ड्रग्स जो हम तब लेंगे जब हमें क्या होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हमको इनकी कंडीशन को ठीक करना है। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं थायरॉयड हार्मोन इनहिबिटर, यानी कि ये हमारी ऐसी सिचुएशन में क्यों होंगे जब क्या हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब हमारी बॉडी में थायरॉयड हार्मोन की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूछा गया कई बार, तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड था
जो थायराइड ग्लैंड था उसकी जो वो अपना काम ज़्यादा कर रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, जो हमारे थायराइड हार्मोन थे उनकी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी और वो हमारी बॉडी में नुकसान कॉज कर रही थी। तो बस हमको क्या करना है कि उनकी जो प्रोडक्शन थी, रिलीज थी, उसको हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे जो एंटी थायराइड हार्मोन्स थे, एंटी थायराइड ड्रग थे, वो हमारे यहाँ पर काम कर रहे थे। देखा था मेनली तो ये हमारे हाइपर थायराइडिज्म को ट्रीट करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये बेसिकली थे, आप डेफिनेशन इंट्रो समझ गए। अब हम जो है इसके ड्रग्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में बात करें मतलब कौन कौन से, तो ये टोटल हमारी KD त्रिपाठी के अकॉर्डिंग ली गई है। आप चाहो तो वहाँ पर इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो चार यहाँ क्लास है, इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारी हार्मोन की सिंथेसिस को रोक देगी। फिर हमारे आते हैं इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, मतलब जो आयोडीन हमारा अंदर जा रहा, मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर थर्ड आता है इनहिबिट हार्मोन रिलीज, हार्मोन की रिको रोकेंगे। और चौथा आता है डेस्ट्रॉय थायरॉयड टिश्यू। तो इन चारों में बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये वाला इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। तो मैंने यहाँ डिटेल्स में इसी को बताया है, बाकी मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, आपको याद करना है। और बाकी आप चाहो तो डिटेल्स में आप केडी त्रिपाठी से इसकी छोटी मोटी डिटेल्स पढ़ सकते हो, जैसे काइनेटिक प्रॉपर्टी, एडवर्स इफेक्ट वगैरह आराम से मिल जाएंगे। तो जो हमारे ये हैं इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, ये बेसिकली हमारे थायोएमाइड नाम से जाने जाते हैं। और इसमें हमारे बेसिकली तीन तरह के ड्रग्स आते हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथीमेजोल और कार्बिमेजोल। तो इनको आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी देखा होगा। तो अब समझो कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये इनहिबिट करते हैं हमारी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को। कैसे करते हैं इसको आप समझो। तो यहाँ पर जो हमारा मैकेनिज्म एक्शन ये कहता है कि जैसे ये हमारे थायोएमाइड्स होते हैं, ये हमारे पेरोक्सीडेज यानी कि पेरोक्सीडेज, अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जैसे हमारा आयोडाइड अंदर आया था, ये हमारा यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा था और ऑक्सीडाइज होकर हमारा आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा था। और उसके बाद हमारे यहाँ आयोडिनेशन हो रही थी टायरोसिन की, और यहाँ पर हमारी हो रही थी कपलिंग वगैरह। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ये होता है, ये थायोमाइड, ये हमारे बाइंड कर जाते हैं इस पेरोक्सीसाइड के साथ में। तो जैसे ही हमारा ये इस पर बाइंड कर जाएगा, वो इसको इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि अब ये अपना काम नहीं दिखाएगा। तो अब सिंपल सा फंडा, यहाँ कोई सोचने की बात नहीं, जैसे हमारे ये पेरोक्सीसाइड हमारे यहाँ पर बंद हो जाएगा, जैसे ही पेरोक्सीसाइड रुक जाएगा, हमारी आगे की कहानी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो सेम फंडा यहाँ पर, बस मैकेनिज्म में ज़्यादा नहीं, अगर आप बेसिकली एक बार ये चीज़ समझ गए ना, आपको मैकेनिज्म समझने की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ जो थायोएमाइड था, उसने हमारा पेरोक्सीडेज को क्या कर दिया, बाइंड करके इनहिबिट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो आयोडाइड था उसकी ऑक्सीडेशन रुक गई, यानी कि अब वो ऑक्सीडेज कन्वर्ट होकर हमारा आयोडीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर दो चीज़ हुए, हमारी जो टायरोसिन थी उसकी भी आयोडिनेशन रुक गई, और जो हमारा आयोडोटाइड थी जिसकी कपलिंग हो रही थी, यानी कि यहाँ पर जो हमारे ये कपलिंग होकर MIT DIT बन रहे थे, इसके द्वारा हमारा T3 T4 बन रहा था, वो सारा का सारा फंडा हमारा आगे जाके रुक गया। और इससे हमारी ये इनहिबिट हो गई, हमारी T3 और T4 की सिंथेसिस भी रुक गई और रिलीज दोनों चीज़ें रुक गई। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सिंथेसिस उसकी दोनों और उसकी जो रिलीज थी, दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हो गई, यहाँ पर इनहिबिट हो गई। तो इस तरह हमारा बेसिकली ये वाला जो फंडा होता है, ये अपना यहाँ पे काम शो करता है। यूजेस की बात करें तो ये हमारा बेसिकली हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि जब ज़्यादा हमारा हो जाता है उस केस में ये हमारा यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पहले की देखें तो ये ओरली अब्जॉर्ब किया जाएगा, बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये कॉज एलर्जिक कुछ रिएक्शन कॉज करेगा और एग्रेनुलोसाइटोक्सिस करेगा थोड़ा बहुत यहाँ पर, और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज, अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो हाइपो भी कर सकता है, मतलब हमारा जो ज़्यादा था लेवल थायरॉयड हार्मोन का, वो हमारा कम कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारा इसका फंडा होता है। अब हमारा सेकंड यहाँ आता है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैफिक। तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, आप चाहो तो डिटेल्स में आप केडी त्रिपाठी से देख सकते हो। तो पहला हमारा क्या है, इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग। तो यहाँ पर जो हमारा आयोडाइड था, इसका जो अंदर जा रहा था, यानी कि जो अपटेक था, इस अपटेक को रोकने का काम हमारे कौन करते हैं, ये वाले ड्रग करते हैं। और हमारा एक बार ये रुक जाएगा तो आगे की कहानी भी हमारी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो सिंपल सा इतना फंडा होता है। इसके हमारे ये ड्रग्स आपको दिख जाएंगे, थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्राइड। फिर हमारे आते हैं इनहिबिट हार्मोन रिलीज, तो ये हमारी रिलीज को रोकते हैं। तो अगर आपको याद हो, यहाँ मेनली हमारे रिलीज को कर कौन रहा था, हमारा ये प्रोटियोलाइसिस कर रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, हमारा थायरोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो गया, इन दोनों में बाहर निकल रहा था। तो इसी रिलीज को रोकने का, यानी कि इस प्रोटियोलाइसिस को ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना काम कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे ये रुक जाएंगे और इससे हमारा जो बाकी चीज़ें रिलीज यहाँ पे रुक जाएगी T3 T4 की, और इस तरह हमारा ये अपना फंडा शो करता है। फिर चौथा हमारे यहाँ आता है डेस्ट्रॉय थायरॉयड टिश्यू। तो इसका फंडा एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, जो आपको इस तरह से मिलेगा I131I। तो इसका फंडा क्या होता है, देखो इसका कुछ इस तरह का फंडा होता है, जैसे ये आता है, ये इसकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा अत्यधिक मात्रा में। और इससे क्या होगा, जो हमारे जैसे मान लो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, यानी कि हमारा थायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा रिलीज हो रहा था, और उस केस में हमने ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे दिया, ये वाला, ये इसकी रिलीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा।
अब बढ़ रहा था इंक्रीज कर देगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये इसके टिश्यू थे ये पूरे एक तरह से सूज जाएंगे, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी और अपना काम करना बाद में क्या कर देंगे, फाइनली बंद कर देंगे। तो इस केस में हम इसका यूज़ करते हैं और ये आपको पता चलेगा वो थोड़ा सा सीवर केस में यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे ये थायरॉयड टिश्यू वाले काम करते हैं कि इसमें ये होंगे जो रेडियोएक्टिव एसीटोन ये हमारे पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे थायरॉयड टिश्यू को, कैसे उसकी ओवर प्रोडक्शन करवा के, यानी कि पहले से उसमें हाइपर कंडीशन है, ज़्यादा हार्मोन यूज कर रहा है, उसको और ज़्यादा करवा देंगे तो हमारा वो फ्यूज़ हो जाएगा एकदम। तो बेसिकली इसी तरह से हमारे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली थे इन तीनों की प्रॉपर्टी, आप केडी त्रिपाठी या कहीं से लिख सकते हैं, वरना मेन हमारा ये था जो मैंने आपको इसके सारा कुछ जो बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब कैसा आपको ये लगा क्वेश्चन, आप मतलब कोई भी अगर डाउट होता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ आता है, व्हाट आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि एंटी डायबिटिक एजेंट, तो इसके बारे में आपको बताना है। और इसमें मेन हमारी क्लास थी सल्फोनिल यूरिया, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं हमारा जो डी पार्ट था सिलेबस में, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ग्लूकागॉन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसुलिन ओरल ये वाला और ग्लूकागॉन, तो इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो वैसे तो मैं आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ाता है, लेकिन इसका जो रोल है वो हमारा इंसुलिन के थ्रू होते हुए ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंसुलिन के बारे में बताऊंगा, ग्लूकागॉन के बारे में, देन मैं आपको जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप समझो क्या होता है, तो यहाँ पर हम अपना मतलब ये समझेंगे शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग, आप समझते जाओ चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में हमारे प्रेजेंट होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन, तो इसके थ्रू हमारे वैसे तीन चार सेल होते हैं, दो हमारे मेन मैंने यहाँ ले लिए, एक हमारा होता है अल्फा सेल, एक हमारा होता है बीटा सेल। तो जो अल्फा सेल होता है उसके थ्रू हमारा रिलीज होता है ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल होता है इसके सारे हमारा रिलीज होता है इंसुलिन वाला, ठीक है। दोनों चीज़ आप समझ गए, अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन, यानी कि पैनक्रियाज के इस वाले सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से रिलीज होता है हमारे पैनक्रियाज के इंसुलिन। अब ये दोनों का फंडा आप समझो कैसे क्या होता है। तो मान लो कि हमारी बॉडी में हो गया ब्लड जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या काम करता है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारे सेल अच्छे से काम करेंगे, ये सब ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये एक्सेस मात्रा में आ जाएगा तो सारा कुछ हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। लो ब्लड ग्लूकोज यानी कि अगर ये सब कम होगा तो हमारे सेल वगैरह में अच्छी से ग्रोथ नहीं होगी और ये सारी प्रॉब्लम कॉज होती है। तो इस तरह दोनों ही कंडीशन हमारे लिए क्या होगी, नुकसानदायक है, इसलिए हमको चाहिए ये बैलेंस में। तो अब समझो क्या हुआ, अगर मान लो एक कंडीशन में हमारी क्या होगी, हाई होगी, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर था, जो ग्लूकोज हमारा होता है एक्चुअल में वो जो अब ब्लड के अंदर हो तभी नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर सेल्स के अंदर होगा तो वो नुकसानदायक नहीं होता। चलो नॉर्मली समझो क्या है, तो जैसे मान लो ये हमारा ब्लड है, तो ब्लड के अंदर यहाँ पर हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो अगर जो ग्लूकोज हमारे इस ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तब हमको प्रॉब्लम कॉज होती है। अगर ज़्यादा नहीं और ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम कॉज होती है। और ये प्रॉब्लम कब कॉज होगी, मान लो ये सेल को चाहिए ग्लूकोज और ये इसके सेल को ग्लूकोज सही से ले नहीं रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर से या हमारे सेल के अंदर जाता है और वहाँ जाके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह फर्दर गड़बड़ करता है, तो इस ग्लूकोज का इस सेल के अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेल था उसने इस ग्लूकोज का अपटेक कर लिया, यानी कि यूज़ कर लिया। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब हमारा क्या होता है सेल्स हमारा इस ग्लूकोज को अपने अंदर क्या करता है, ले लेता है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज का मतलब सिंपली अगर बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर जो सेल थी उनकी ये अपटेक हमारी कम हो गई है दूसरी, और यहाँ जो हमारा ब्लड था उसके अंदर हमारे ग्लूकोज ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारे पैनक्रियाज के बाद जैसे ये सेंस करेगा, पैनक्रियाज का जो हमारा बीटा सेल होता है इसके अंदर से जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा रिलीज होगा। अब जैसे ही हमारा इंसुलिन रिलीज होगा ये हमारे ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देता है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने ये अपटेक बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज इसके अंदर भर गया था वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर, और एक और जगह हमारी होती है लीवर, तो सेल्स और लीवर के अंदर क्या हो जाएगा, अपटेक हो जाएगा। अब लीवर तो आपको अगर याद हो तो ग्लूकागॉन की कंडीशन में, ग्लूकागॉन की फॉर्म में ये लीवर हमारा इसको इकट्ठा करके रख लेता है, जो हमारा आगे कभी जब फास्टिंग वगैरह रखते हैं या कभी दो दो तीन दिन खाना नहीं मिलता तो उस केस में हमारा ये बाद में यूज होता है, ठीक है। तो ये लीवर में अपटेक हो गया मतलब इकट्ठा होकर स्टोर हो जाता है, बाकी ये हमारा सेल्स के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है। तो इन दोनों फंडों को हमारा किसने किया, हमारे इंसुलिन ने किया। तो ये हमारा मेनली काम होता है इंसुलिन का, यानी कि इंसुलिन ने जब मान लो हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया, हमारे सेल जो ब्लड था इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो हमारा अपटेक हो गया इंसुलिन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा इसके थ्रू हो गया, तो अब जब ग्लूकोज हमारा इस ब्लड से चला जाएगा तो ये बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो एक कंडीशन लो ब्लड ग्लूकोज हो गया, यानी कि मान लो यहाँ पर जो हमारा ब्लड था इसके अंदर ग्लूकोज बहुत मात्रा में कम हो गया, तो अब इस केस में हमारे जो पैनक्रियाज होगा वो अल्फा सेल से हमारे ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा। अब जो ग्लूकागॉन है ये क्या करेगा, आपको मैंने भी क्या बताया, लीवर के अंदर हमारा ग्लूकागॉन जो आपको याद होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस लाइसिस, तो यहाँ पर जो हमारा ये ग्लूकागॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्लूकागॉन था
वो हमारा ग्लूकागन क्या करेगा कि यहाँ पर जो ग्लाइकोजेन था आपको अगर याद हो तो ग्लाइकोजेन को ये ब्रेक डाउन करेगा और इस ग्लाइकोजेन से हमारा क्या बन जाएगा, फर्दर ग्लूकोज बन जाएगा और वो ग्लूकोज हमारा फिर रिलीज होकर कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये जो ग्लूकागन है ये बेसिकली हमारा लीवर में काम करेगा और लीवर के अंदर जो हमारा ग्लाइकोजेन की फॉर्म में हमारा ग्लूकोज स्टोर था जो हमारा ऐसे बुरे वक्त में काम आने वाला था उसको जाके ये ब्रेक डाउन करवाएगा और ये ब्रेक डाउन करके हमारा जो ग्लाइकोजन था वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर और ब्लड के अंदर वापसली पहुँच जाता है। तो इस तरह बेसिकली ये हमारे फंडे काम करेंगे और दोनों ही केस में हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो हमारा नॉर्मली आ जाता है। तो इस तरह आई होप आप लोग ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों का ही फंक्शन यहाँ पर जो है समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर मैंने इसी को थोड़ा डिटेल में लिख दिया। ग्लूकागन जैसे मान लो जब ब्लड शुगर कम हो गया, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तो भाई ग्लूकोज की अपटेक ज़्यादा हो जाती है, हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं या ये किसी भी कंडीशन में हमारे जो ग्लूकागन था उसकी बढ़ जाएगी और इससे होगी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसमें क्या होगा, जो हमारा ग्लूकागन होगा ग्लाइकोजन होगा वो ग्लाइकोजन हमारा जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये ग्लूकोज हमारा ब्लड में वापस चला जाएगा और ब्लड में नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली कब यूज़ होता है, जब क्या हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा कम हो जाता है, हाइपो वर्ड मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा, तो जब हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें जैसे मान लो टाइप 1 डायबिटीज़ वगैरह, जैसे मान लो किसी ने इंसुलिन ज़्यादा मतलब किसी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा बन गया तो उसमें केस में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। तो इंसुलिन ज़्यादा बनने का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारा कम हो जाएगा। तो उस केस की उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम इस ग्लूकागन का यूज़ करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जो हमारा ग्लूकागन और इंसुलिन है ये एक दूसरे को रिपेयर करते हैं, एक दूसरे के काम को रोकते हैं। इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, ग्लूकागन हमारा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो इस तरह ये दोनों फंडे हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका था, आप समझते हैं हम इंसुलिन के बारे में। तो ये फंडा आप समझ लो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो पहले आपको समझना है कि आखिर इंसुलिन हमारा रिलीज कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आप नॉर्मली समझो क्या होता है, तो ये हमारा है बीटा सेल, किसका, पैनक्रियास का हमारा क्या है, बीटा सेल है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज था यहाँ पर हमारा एक ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जब हमारा ग्लूकोज वगैरह होता है वो ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है भाई तभी तो हमारा इंसुलिन रिलीज होगा। तो मान लो ग्लूकोज हमारा ज़्यादा हो गया तो वो हमारा क्या होगा इसके थ्रू या नॉर्मल कंडीशन में भी ग्लूकोज हमारा इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस बीटा सेल में अंदर आ जाता है। अब जब ये अंदर आता है तो ये हमारा कन्वर्ट होगा हेक्सोकाइनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर पाइरुवेट में फाइनली कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होते हैं उसके थ्रू हमारे जो ये कैल्शियम चैनल थे, यहाँ एक कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसके थ्रू हमारे कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बंद हो जाएंगे। अब जब कैल्शियम चैनल हमारे बंद हो जाएंगे तो आपको पता है कैल्शियम क्या होते हैं, हमारे अंदर से बाहर जाते हैं। तो जब अंदर से पॉजिटिव चार्ज हमारा बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और वो फर्दर हमारा कॉज करेगा डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही हमारी ये डीपोलराइजेशन होती है ये हमारे इस कैल्शियम चैनल को जाके क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि डीपोलराइजेशन होगी तो कैल्शियम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो कैल्शियम थे बाहर से वो हमारे क्या होंगे, इसमें अंदर आने लगेंगे। अब कैल्शियम जो हमारा अंदर आएगा तो ये कैल्शियम हमारा कुछ देर बाद क्या करेगा, हमारी इंसुलिन की जो रिलीज होगी उसको निकाल देगा और इंसुलिन हमारा इस बीटा सेल से क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इंसुलिन जो है यहाँ पर रिलीज होता है अपने बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से, किसकी मदद से, ग्लूकोज की ही मदद से हमारा जो इंसुलिन था वो रिलीज होगा। अब इंसुलिन जब रिलीज हो जाएगा हमारे ब्लड में, अब समझो आगे की कहानी। तो हमारे जो ब्लड होता है, सॉरी हमारे ब्लड से यहाँ रिलीज हो गया तो जो हमारे सेल्स होते हैं, एक्चुअल में जो सेल है उसकी यहाँ सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी कि आप सेल समझो, तो सेल पे हमारे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं किसके, इंसुलिन के। तो यहाँ पर ये जो दो फंडे दिख रहे होंगे ये हमारे अल्फा यूनिट है और जो नीचे वाले दो हैं ये हमारे बीटा यूनिट है। तो वैसे इसका एक थोड़ा सा तिगड़म वाला मैकेनिज्म था, मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको बताया क्योंकि ये वैसे ज़्यादा डिटेल आता नहीं है, आ भी जाएगा तो आप इतना आराम से लिख सकते हो। तो ये जो हमारे होते हैं ये इन पर जैसे ही हमारा इंसुलिन बाइंड करेगा ये फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं और फॉस्फोराइलेट होने के बाद इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो मैंने लिखी नहीं है, शॉर्ट में आपको बताया। तो जैसे ही हमारी ये बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर हमारे एक प्रेजेंट होता है ग्लूट 4 नाम का रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर की मदद से क्या होगा कि जो हमारे ये सेल्स है ये क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को अपने अंदर खींचने लगेंगे। यानी कि आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट ये हमारा ब्लड वाला पार्ट है और इसी ब्लड में हमारा इंसुलिन जो है वो रिलीज हुआ था। अभी मैंने आपको दिखाया कैसे रिलीज हुआ और यहाँ पर जो हमारा सेल था उसके रिसेप्टर, जो सेल मेम्ब्रेन थी वहाँ पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट थे इंसुलिन के, वहाँ जाके इसने बाइंड किया और फाइनली इसने क्या किया, जो हमारा ग्लूकोज था उसके यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट था इसको इसने एक्टिवेट कर दिया, बढ़ा दिया इसकी एक्टिविटी। तो इससे जो ग्लूकोज था वो हमारा इस सेल के अंदर ज़्यादा आएगा। अब सेल्स क्या करेगा, सेल इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके अपनी एनर्जी एटीपी वगैरह में कन्वर्ट करेगा, फिर फर्दर इससे सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा पाइरुवेट बनके। तो इस तरह हमारे सेल जो है इस ग्लूकोज का यूज़ करेंगे और जब ग्लूकोज हमारा ब्लड से सेल के अंदर आएगा तो यहाँ ब्लड में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी। और ये कंडीशन ही हमको चाहिए थी क्योंकि इंसुलिन का काम ही क्या था कि हमारे ब्लड के ग्लूकोज की लेवल को कम करता है।
तो ये था बेसिकली फंडा हमारा पूरा का पूरा इंसुलिन का। आई होप आप लोग क्लियरली एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर और अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में, तो लगभग ये हमारा जो इंसुलिन था वो पैनक्रियास के अंदर 200 यूनिट में कन्वर्ट होता है, यूनिट की फॉर्म में यहाँ नापा जाता है। और लगभग जो एक मैन मतलब हम नॉर्मल अगर देखें तो हम पूरे दिन में लगभग 50 यूनिट इंसुलिन को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं इन पैनक्रियास के अंदर से। तो ये बेसिकली इसका फंडा होता है। फंक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करेगा। जो मैंने यहाँ पे बताया ग्लूकोज, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आते हैं, तो इनके मेटाबॉलिज्म को ये चीज़ हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिससे क्या होगा ग्लूकोज हमारा ज़्यादा मात्रा में अंदर आएगा और अपना असर ज़्यादा दिखाएगा। तो ये बेसिकली इसके फंक्शन होते हैं। यूजेस की बात करें तो जैसे मान लो कोई कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि लोगों को ज़्यादा मतलब डायबिटीज़ की कंडीशन होगी, डायबिटीज़ कंडीशन बोले तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का जो शुगर ग्लूकोज लेवल है वो हमारा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। और जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा ना भाई मीठा नहीं खा पाते, ये नहीं खा पाते, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हार्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, उन सबको ठीक करने के लिए हमारा जो है इंसुलिन की एक रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है जो यहाँ पर यूज़ होती है। बाकी अगर इमरजेंसी कंडीशन कोई हो जाती है, ज़्यादा ट्रॉमा वगैरह आ जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को, ज़्यादा अगर हो जाए तो कोमा वगैरह में भी चले जाते हैं, तो उन सब केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी एक और कंडीशन में हेल्प करते हैं इसको, हाइपरकैलेमिया यानी कि मान लो किसी पेशेंट को क्या हो गया, ज़्यादा मात्रा में हाइपरकैलेमिया हो गया, तो वहाँ भी केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पोटेशियम चैनल हमारे ब्लॉक होते हैं, तो इससे हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है। तो ये बेसिकली हमारे इंसुलिन का फंडा था। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हाइपोग्लाइसेमिया में हमें मतलब कॉज कर सकता है, मतलब ज़्यादा ब्लड के लेवल कम हो गया तो हाइपो हो जाएगी कंडीशन, कुछ एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंडा था। अब समझते हैं हम अपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। तो ये बेसिकली हम अगर नाम से समझें, हाइपो प्लस ग्लाइसेमिक यानी कि ये जो ग्लूकोज लेवल था उसको कम करने का काम करते हैं, या दूसरे नाम एंटी डायबिटिक से समझे तो ये क्या करते हैं, हमारे जो डायबिटीज मेलाइटस है उसको ठीक यानी कि उसको अपोज करने का काम करते हैं। तो अगर बेसिकली देखें तो दीज आर दोज ड्रग्स विच लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज एंड आर इफेक्टिवली ओरल। तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ओरली रूट से दिए जाते हैं। अब इसमें और इंसुलिन में फंडा क्या है ये आप समझो। देखो इंसुलिन के अगर डायरेक्टली हम ओरल रूट से लेंगे ना तो वो हमारा क्या होगा, हमारे GI ट्रैक में एकदम डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो वहाँ जाके अपना फंडा नहीं दिखाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और एग्जाम में बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो देखा जाए तो ये मोस्टली हमारे जो टाइप 2 के डायबिटीज मेलाइटिस वाली केस होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। तो अब हम बेसिकली समझते हैं कि आखिर डायबिटीज होता क्या है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो पर्सन की बॉडी होती है, हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है वहाँ पर जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल प्रेजेंट होती है यानी कि ग्लूकोज, तो वो शुगर लेवल क्या हो जाती है, हम बॉडी हमारी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो हमारी बढ़ जाती है। तो जब वो बड़ी वाली लेवल होती है शुगर की, उसी को हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर डायबिटीज़ बोलते हैं। अब ये बेसिकली दो तरह की होती है, पहली टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियास था जिसके थ्रू हमारा इंसुलिन रिलीज हो रहा था, वो उसकी रिलीज क्या हो जाती है, या तो बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो जब इंसुलिन हमारा कम निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिक हमारा जो ग्लूकोज का लेवल था वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को रोकने का या ग्लूकोज को हमारे कम करने का काम कौन कर रहा था, हमारा इंसुलिन कर रहा था। सेकंड हमारा आता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जैसे सब काम फर्स्ट क्लास हो रहा था, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल है, लेकिन उसका जो यूज़ था वो यूज़ हमारा कम हो पा रहा था, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी थी वो रेगुलेट नहीं कर पा रही कि आखिर ग्लूकोज को हम यूज़ कैसे करें एज अ फ्यू, यानी कि ग्लूकोज का जो अपटेक था उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस इसी वाले केस में क्या होता है, हमारे मेनली ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स काम आते हैं यानी कि टाइप 2 की कंडीशन में, जब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में हमारे ग्लूकोज को ले नहीं पाते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था थोड़ा डेटा हो गया, तो सेल्स थे वो हमारे ग्लूकोज को लेने का काम कर रहे थे अपटेक, तो ये अपटेक हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी को ठीक करते हैं हमारे कौन से, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि एंटी डायबिटिक एजेंट। तो अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो देखो इसमें बहुत सारी क्लासेस थी, तो वो सारी क्लासिफिकेशन आप KD त्रिपाठी के तहत लिख देना, मैं आपको यहाँ पे फोटो ऐड कर दूंगा, यहाँ शायद होगा तो मैं यहाँ जोड़ भी दूंगा। तो इन सब में हमारी एक मेन क्लास थी सल्फोनिल यूरिया वाली, तो इसी के बारे में हमको जो है पढ़ना है। तो बेसिकली इनका जनरल फार्मूला हमारा ये वाला होता है, आपको यहाँ दिख जाएगा। बाकी अब हम इसका समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसका जो फंडा होता है, हमारा जो सल्फोनिल यूरियाज होते हैं ये हमारे जो पैनक्रियाज होता है उसके बीटा सेल पे जाके अपना असर दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको सारा फंडा समझा दिया था कैसे काम होता है, कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है उस केस में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज इस बीटा सेल में क्या करेगा, इन GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाएगा और यहाँ जाके क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे इस कैल्शियम चैनल को जाके करता है बंद करता है। और यहाँ जाने के बाद क्या होता है, ये हमारे इस चीज़ को कैल्शियम को ओपन करेंगे और ये इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाते हैं। तो ये नॉर्मली चलता था। अब मान लो कि हाइपरग्लाइसेमिया क्या हो गई, यानी कि ज़्यादा ही हमारे ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज की लेवल हो गई और हम पे ये कंट्रोल नहीं हो रही, ये भाई अपना काम नॉर्मली करते हैं, तो हम क्या देते हैं, हम ड्रग देते हैं अपने सल्फोनिल यूरिया वाले।
तो जो सनफोलेट यूरिया ड्रग दिया जाएंगे वो यहाँ पर इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है SUR यानी कि सनफोलेट यूरिया रिसेप्टर, वहाँ पे जाके ये बाइंड करेंगे। अब जैसे ही बाइंड करेंगे ये रिसेप्टर का काम होता है कि ये हमारे इस पूरे फंडे को यानी कि जो कैल्शियम चैनल है यहाँ पे जाके इसको एकदम अच्छे से ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, क्लोज कर देगा। अब जैसे ये एकदम क्लोज हो जाएगा इसके अंदर से हमारे जो कैल्शियम थे वो जो हमारे कैल्शियम बाहर आ रहे थे यहाँ से वो हमारे बाहर नहीं आ पाएंगे। अब कैल्शियम बाहर नहीं आएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव माहौल ज़्यादा हो जाएगा, सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। अब जब डीपोलराइजेशन अंदर हो जाती है तो ये फर्दर हमारी क्या करेंगे, कैल्शियम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब जैसे ही कैल्शियम हमारा ओपन हो जाएगा चैनल, तो कैल्शियम का जो अंदर जाने वाला चीज़ था वो हमारी भर जाएगी, कैल्शियम हमारा अंदर ज़्यादा जाएगा। कैल्शियम अंदर जाएगा तो ये हमारे इंसुलिन की रीज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और यहाँ हमारा इंसुलिन भर जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारे सल्फोनिल यूरिया थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमारे इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा दिया। अब जब हमारा इंसुलिन यहाँ तक निकलेगा तो देखो मैंने आपको इंसुलिन का काम बता दिया था कि इंसुलिन जैसे ही निकलेगा वो हमारे इस अपटेक को बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारी डायबिटीज सेकंड में प्रॉब्लम थी कि जो हमारे सेल्स थे वो एक्चुअल में हमारे क्या कर रहे थे, अपटेक नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों का, ग्लूकोज का, वो अपटेक अब करने लगेंगे किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। तो इस तरह हमारे जो सल्फोनिल यूरिया थे ये अपना यहाँ पर काम शो करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। देखो यहाँ से इंसुलिन निकला, अब ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे ये सेल्स हैं और यहाँ पे ये हमारा ब्लड है, तो ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट था उस ग्लूकोज का यहाँ पे जो अपटेक था, इस अपटेक को क्या करेगा, ये हमारा इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर ज़्यादा जाने लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है ब्लड के अंदर से ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी और हमारी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये बेसिकली सिंपल इसका फंडा था, ठीक है। बाकी बात करें तो इसका अगर दो चार बातें आप लिख देना कि ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल यहाँ पे होता है इसको ब्लॉक करके हमारे जो ये सल्फोनिल यूरिया होते हैं ये अपना काम शो करते हैं, तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। ड्रग्स की बात करें तो इसमें हमारे टलब्यूटामाइड हो गया, टॉलज़ेमाइड हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, ग्लाज, ये हमारे इसके बेसिकली ड्रग हो गए और ये बेसिकली हमारा GI ट्रैक के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसका जो फंडा होता है लगभग 1-2 घंटे के अंदर मतलब ये हमारा ब्लड में पहुंच जाता है और इसका जो हाईएस्ट काम करने की लेवल होती है वो लगभग 4-6 घंटे बाद करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब मतलब किसी को ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो उसको जब दवा लगाई जाती है तो उसको असर जो है 4-6 घंटे बाद देखने को मिलता है, इसीलिए उसकी जो जाँच होगी अगली वो आगे की जाती है। बाकी ये हमारा लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है। यूजेज की बात करें तो ये मेनली हमारे टाइप 2 डायबिटीज में यूज़ होता है। बाकी एडवर्स की बात करें तो अगर ये अपना असर ज़्यादा दिखा गए तो वहाँ हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकता है, बोन मैरो में डिप्रेशन हो सकता है, ये इसके कुछ हमारे नॉर्मली फंक्शन हो गए। अब हम बात करें यहाँ पर देखो तो ये हमारा इतना हो गया, बाकी इसकी जो और क्लासिफिकेशन थी वो आप KD त्रिपाठी में देख लेना और वहाँ से आप बाकी के थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मतलब मेन जो हमारी थी सल्फोनिल यूरिया वो मैंने आपको यहाँ करा दी, बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया। तो ये था बेसिकली हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारी कुछ बातें रहती हैं जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, तो यहाँ जो हमारा इंसुलिन है देखो इसके बारे में हमने अभी जान लिया, ग्लूकागोन है इसके बारे में हमने अभी जान लिया, ठीक है। तो इनके यूजेस फंक्शन मैंने आपको सारे बता दिए। अब हमारे यहाँ पर आते हैं ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो देखो इनको शॉर्ट नोट में पढ़ना था तो जो हमारे 2 मार्क्स के सॉल्यूशन थे उसके बाद फार्माकोलॉजी के उसमें मैंने आपको इससे अच्छे से बताया है, तो आप 2 मार्क्स के सॉल्यूशन को जरूर देखना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, सबके बारे में मतलब रिविजन हो जाएगा, तो वहाँ वीडियो में आकर आप देख लेना। और अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसके नोट्स वगैरह या कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। अब हमारा इसमें एक टॉपिक आता है हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा लेवल, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत समझ लो, कभी मतलब इसके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, आपको पता है, और कैल्शियम के बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों वगैरह में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बाकी हमारी बॉडी में डीपोलाइजेशन के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म वगैरह सारा कुछ जरूरी है। तो अब मान लो किसी केस में क्या हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं जो इसको तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लाज्मा कैल्शियम को कंट्रोल करती हैं। पहला हमारा आता है पैराथॉर्मेन, और अगर आपको याद हो तो ये जो पैराथॉर्मेन था ये हमारा एक्चुअल में जो हमारा थायराइड ग्लैंड का दूसरा वाला पार्ट था, पैराथायरॉयड वाला, वहाँ से रिलीज हो रहा था, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। सेकंड हमारी आती है कैल्सिटोनिन, तो ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड था उसका तीसरा वाला जो पार्ट था वो हमारा ये कैल्सिटोनिन, नाम से समझ रहा था कैल्शियम को रेगुलेट करेगा। और यहाँ एक हमारा आता है विटामिन डी, तो ये भी हमें देता है। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा ना भाई कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी लो जाके, भाई धूप में खड़े हो चीज़ें खाओ विटामिन डी लो, आपके दांत कैल्शियम की कमी हड्डियाँ वगैरह मजबूत होंगी, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो देखो अब मैं आपको बताऊंगा अगर कभी एग्जाम में आ जाता है आपको बेसिकली क्या करना है, कैल्शियम के बारे में 2-4 फायदे लिख देना कि कैल्शियम हमारे लिए जरूरी होता है। तो कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के ये 2 हार्मोन जो
पैराथ्रोमिन और कैल्सिटोन, और एक हमारा यहाँ एक और चीज़ आती है विटामिन डी, तो ये तीन चीज़ें हमारे इसको वो करती हैं। अब आपको क्या करना है, सबके बारे में दो दो लाइनें लिख देनी है, और आपका ये आएगा तो शॉर्ट में आएगा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग या फिर 2 मार्क्स में, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो जो पैराथ्रोमिन है ये हमारा क्या है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, 84 अमीनो एसिड कंटेन करता है, बाकी ये हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं, बस छोटी मोटी बातें आपको लिख देनी है। बाकी ये देखा जाए तो ये हमारा क्या करेगा, जब मान लो हमारी बॉडी में पैराथ्रोमिन की कमी हो गई या कैल्शियम लेवल कम हो गया, तो ये हमारा रिलीज होगा और ये हमारे में हाइपरग्लाइसेमिया को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कैल्शियम को लेवल को बढ़ाएगा। तो इसी तरह बेसिकली हमारे फंडे होते हैं, कैल्सिटोनिन भी हमारा सेम इसी तरह काम करेगा, हमारे कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, बाकी विटामिन डी भी हमारे कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली थे, बाकी इसके नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। अब बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, बहुत मेहनत की है और आज ही मैं पूरा ये बनाया है, अपना मतलब सब छोड़ के इसको किया है, तो आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी ये शॉर्ट वाले आप जो है उसमें देख लेना, जाके जरूर देख लेना, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत अच्छे थे, आप जाके सारा कुछ देख लेना। तो ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की फैन थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।